नमस्कार, मैं पल्लवी छिलावड़ा, आपकी वास्तु फेंग शुई कंसल्टेंट। हमेशा एक अच्छी शुरुआत होती है ना, उसमें काफ़ी अलग अलग तरह के छोटे छोटे ऑब्स्टिकल आते हैं। क्रिसमस का टाइम है, सब लोग अपने अपने वेकेशन के साथ बिजी हैं, परिवार के साथ ना चाहते हैं। लाइव शो के अंदर भी कई बार हमें लोगों को इकट्ठा करना और आपके साथ बातचीत करने के लिए स्टूडियो में व्यवस्था करना, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं तो आपके साथ एक इतना ज़्यादा लगाव रखती हूँ कि अपना टाइम शुरू होने के साथ आपके पास आ ही जाती हूँ। आज हम बात करते हैं किचन पोजीशन एंड वास्तु शास्त्र के ऊपर। वास्तु के हिसाब से किचन की आइडियल पोजीशन कैसे होनी चाहिए, वास्तु शास्त्र के अनुसार किचन व्यवस्था के सबसे बेहतरीन कलर कैसे माने जाते हैं, बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के फोल्ड को चेंजेस किए, यानी कि स्ट्रक्चरल लेआउट को बिना बदले आप सही किचन के फायदे कैसे उठा सकते हो। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ज़्यादा विस्तारपूर्वक समझेंगे। समय की बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जो समय हमारा थोड़ा सा शो शुरू होते वक्त लेट हो चुका है उसको हम आगे चल के अपने टाइम से आगे चल के आपके साथ कवर कर लेंगे, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। सबसे पहले बात करते हैं किचन। वास्तुशास्त्र में किचन की इम्पोर्टेंस, महत्ता कैसी है, क्यों है। पुराने ज़माने में बहुत टाइम पहले जब घर बनते थे तो उस वक्त किचन जो होता था वहाँ पे मिट्टी का एक चूल्हा बना हुआ होता था, जिसको आप अभी कुकटॉप बोल सकते हो, कुकिंग रेंज बोल सकते हो। तो वहाँ पे जाके वो लोग खाना बनाते थे और कई बार पैसे, कैश, फाइनेंस, सारी इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल चीज़ें भी किचन व्यवस्था के अंदर या फिर जहाँ पे कुकिंग होती थी उस गैस स्टव यानी कि चूल्हे की व्यवस्था के आसपास मिट्टी में खुदाई करके वहाँ पे छुपा दी जाती थी। बहुत सालों से एक बात चलती है कि जहाँ किचन एरिया होता है वहाँ पे घर का मुखिया खाना खाने के लिए, घर परिवार के बच्चे वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं। जितने भी आपके पास अलग अलग व्यवस्था है, घर के अलग अलग कमरों की व्यवस्था है, फैमिली रूम है, लिविंग रूम है, अलग अलग तरह की, कि जिसकी वजह से किचन में आपका परिवार जनों का वहाँ पे रहना होता है और परिवार के लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने की वजह से उधर मोशन क्रिएट होता है। वास्तुशास्त्र में ये माना जाता है कि हमारा जो शरीर है वो एक घर है, यानी कि वो एक, आप ये समझ लो कि आपके लिए भगवान की ओर से गॉड गिफ्ट हमें मिला हुआ 9 अलग अलग दरवाजों वाला एक हमारा ये घर है। उसके अंदर किचन की व्यवस्था होती है, वो जो हम खाना खाते हैं और जो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम होती है, जो हमारे जो भी फूड हमने ग्रहण किया है, जो भी हमने खाना खाया है, लंच, डिनर, ब्रंच, जो भी तरह की व्यवस्था हो, उसकी जो डाइजेस्ट सिस्टम को पाचन शक्ति की ओर से जो उससे हमें एलिमेंट मिलते हैं, उससे हमारा ब्लड बनता है, उससे हमारा हृदय, उसकी पंपिंग सिस्टम, उसकी लाइफ जो होती है वो आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और उसको सिंपल वर्ड्स में इस्तेमाल किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे हमारी शौर्य शक्ति जो है वो बनी रहती है। अच्छा किचन होना, अच्छी हेल्थ होना, अच्छा किचन होना, घर में कम झगड़े होना, सही किचन की व्यवस्था होना, घर में ज़रा सी भी मांदगी नहीं होना। किचन जो होता है वो वास्तु के नज़रिए से अच्छी हेल्थ की निशानी माना जाता है। अच्छी हेल्थ कौन नहीं चाहता, सब लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे पास होती है नहीं होती है। हम कई बार इनिशियली जब पैदा होते हैं और हमारा जो बचपन होता है, कई बार युवावस्था होती है, तब हमारी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी लाइफस्टाइल को आगे लेकर जाते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, काफ़ी ऐसी बातें जो हमारे गलत फूड हैबिट की वजह से कई बार हमारी हेल्थ को डाउन कर देती है और उसकी वजह से हमें काफ़ी छोटी मोटी हेल्थ इशू का सामना भुगतना पड़ता है। सबसे पहले बात करेंगे किचन व्यवस्था के लिए दिशा कौन सी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने शो में हमेशा एक बात कही है कि लोगों के दिमाग में दो मान्यताएं हैं, कुछ सही कुछ गलत। वास्तु के हिसाब से इंडिया वगैरह में, या कई बार आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे ब्लॉग और आर्टिकल जब आप पढ़ते हो तो उसमें ये भी बताया जाता है कि किचन जो होता है की व्यवस्था जो है वो नॉर्थ वेस्ट में हो सकती है। हम यहाँ पे वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते जो अलग अलग गैर मान्यताओं के बारे में या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में जो बात करते हैं, उसमें मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूँगी कि किचन की सही व्यवस्था के लिए बहुत सारी दिशा हो सकती है। पर्टिकुलर एक ही दिशा में किचन होना चाहिए ये गलत मान्यता है। लेकिन वास्तु के हिसाब से जो अलग अलग तरह के कंसल्टेंट प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो दो अलग अलग बातें हैं, मान्यताएं हैं, उसमें मैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी
कि नॉर्थ वेस्ट का किचन होता है वो वास्तु में सही नहीं माना जाता। जबकि आप अलग अलग लोगों के मुंह से जब बातें सुनते हो तो आपको काफ़ी तरह की मिक्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाहूँगी आपके साथ कि वास्तु के हिसाब से नॉर्थ वेस्ट का किचन अच्छा इसलिए नहीं माना जाता कि एक ऐसी किचन व्यवस्था होती है जो 100% सही है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करती है और घर के लोगों को लॉन्ग लाइफ देती है। एक ऐसी किचन व्यवस्था होती है जो कई बार हेल्थ को डाउन नहीं करती है, लेकिन हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आती है। हेल्थ के साथ साथ घर के मुखिया को जॉब आती है, जॉब जाती है, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए वास्तु कंसल्टेंट जो होते हैं वो नॉर्थ वेस्ट का किचन जो है वो सही नहीं मानते। घरों के किचन की व्यवस्था और रेस्टोरेंट किचन की व्यवस्था में बहुत फ़र्क होता है। जितने रूल्स एंड रेगुलेशन आपको घरों में दिखाई देंगे उतने रूल्स एंड रेगुलेशन आपको रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर किचन की व्यवस्था में नहीं दिखाई देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ घरों की क्वेश्चन आंसर के ऊपर ही सीमित है। सबसे पहले किचन की जो रचना होती है उसमें लेटेस्ट जो स्मार्ट होम है उसके अंदर ओपन किचन कॉन्सेप्ट होता है, पूरा खुला खुला किचन, और स्पाइस किचन होता है, डर्टी किचन होता है, लोग गैराज में कुकिंग करते हैं, लोग बैकयार्ड में जाके किचन व्यवस्था बनाते हैं। तो एक घर में बहुत अलग अलग तरह के किचन होते हैं। सबसे पहली बात, किचन जो है वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, जैसे बॉम्बे वगैरह में होते हैं, कोई भी एक ऐसी व्यवस्था हो जिसके अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर या हाई राइज बिल्डिंग के अंदर एक परिवार के लोग एक से ज़्यादा रहते हो, यानी कि दो ब्रदर हो सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, पेरेंट्स और बच्चे हो सकते हैं। तो वास्तु के हिसाब से सबसे पहले हाई राइज बिल्डिंग जो कि सिंगापुर में होते हैं, न्यूयॉर्क में होते हैं, बॉम्बे में होते हैं, तो एक ही घर के अंदर एक ही परिवार के दो लोगों के लिए हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग बने हुए होंगे तो उसमें जो टॉप फ्लोर पे जो परिवार रहता है, माता पिता भाई बहन जो भी रहते हो जो टॉप फ्लोर पे, उसको इतने हेल्थ इश्यू का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन एक ही परिवार का दूसरा सदस्य अगर उसी बिल्डिंग में रहता है तो उसके रहने जाने के बाद कुछ टाइम के बाद या तो उन दोनों के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट होने शुरू हो जाएंगे या फिर जो सबसे हाई राइज यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर के अलावा जो रहते हैं वो परिवारजनों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू बने रहेंगे। तो वास्तु ये कहता है कि एक बिल्डिंग के अंदर एक ही परिवार के लोगों के दो अलग अलग किचन व्यवस्था जो होती है उसको अच्छी नहीं मानी जाती। अलग अलग फैमिली मेम्बर के अलावा, ब्लड रिलेशन के अलावा, नेफ्यू कज़िन दूसरे लोग हो सकते हैं, लेकिन एक ही परिवार से बिलोंग करने वाले लोगों की दो किचन व्यवस्था एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए। दो अलग अलग विंग भी हो सकती है लेकिन एक ऐसी हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई हो जिसमें सेम जगह पे 6 फ्लोर पे बड़े भाई का घर हो, 3rd फ्लोर पे छोटे भाई का घर हो, लेकिन सेम विंग व्यवस्था में हो, तो इस तरह की किचन व्यवस्था अच्छा नहीं माना जाता। आम आदमी के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के बारे में, कनाडा और यूके के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे घर होते हैं जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा किचन व्यवस्था होती है, पूरे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के बिल्डिंग के अंदर जो भी किचन बना हुआ हो, अगर आपके पास स्पाइस किचन और डर्टी किचन है तो उसका प्रयोग ज़्यादा होता है और जो एक्सटीरियर किचन यानी कि जो कॉस्मिक किचन होता है उसका प्रयोग कम होता है, उस कंडीशन के अंदर आप दो किचन यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली एक घर में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं तो एक साथ दोनों किचन में तो कुकिंग नहीं करने वाले, तो किसी न किसी एक किचन व्यवस्था का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो जो स्पाइस किचन या डर्टी किचन जो स्मार्ट होम में बने होते हैं उस किचन का प्रयोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। जो एक्सटीरियर किचन यानी कि फैमिली रूम के पास में होता है जिसको आप कॉस्मिक किचन बोल सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, जिसमें आप कई बार कुछ वार्म कर सकते हो बट आप उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, तो उस तरह की किचन व्यवस्था एक घर के अंदर दो जगह पे बनी हुई हो फिर भी वो वास्तु दोष की निशानी नहीं बनती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग बेसमेंट के अंदर किचन व्यवस्था बनाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे किचन 100% वास्तु के अनुसार हो लेकिन पूरा फ्लोर हमारा ख़राब ना हो जाए, हमारा इंटीरियर ख़राब ना हो जाए, घर में खाने पीने की चीज़ों की खुशबू ना फैल जाए, इसके लिए कई बार जो लोग होते हैं वो बेसमेंट में जाके अपने किचन जो मेन किचन उसको बना देते हैं, जो कि सेमी किचन व्यवस्था होती है लेकिन उसको मेन किचन बना देते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आपके साथ अपनी प्रैक्टिस शेयर करना चाहती हूँ अच्छे किचन के लिए।
अच्छी हेल्थ के लिए जितना हो सके उतना खड्डे में गिरा हुआ किचन, बेसमेंट का किचन, चाहे आपका बेसमेंट वॉकआउट हो, चाहे आपका बेसमेंट किसी भी तरह की कंडीशन में बना हुआ हो, लेकिन मेन किचन व्यवस्था जितनी फर्स्ट फ्लोर पे होती है उतनी वास्तुशास्त्र में आइडियल मानी जाती है। हमने दो अलग अलग बातें की, इंडिया के अंदर या न्यूयॉर्क के अंदर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर किचन व्यवस्था में एक बिल्डिंग में दो परिवार के लोग एक विंग के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर आपके घरों के अंदर सिंगल फैमिली होम है, टाउन होम है और आपके पास एक से ज़्यादा किचन व्यवस्था है, तो कोई ना कोई एक व्यवस्था जो स्पाइस किचन करते हो वो आपके फैमिली रूम वाले फ्लोर के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन बेसमेंट में इस तरह की व्यवस्था को आइडियल नहीं माना जाता। किचन कैबिनेट्स के अंदर बहुत अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, वाइट, ग्रे, मैपल, महागनी, ब्राउन, बहुत अलग अलग तरह के। कैबिनेट सिलेक्शन के लिए दो तरह से किचन लोग सिलेक्ट करते हैं। एक होता है किचन में कैबिनेट जो होते हैं वो अप टू वॉल यानी कि अप टू सीलिंग लेवल तक होना, एक होता है कम्प्लीटली हाफ किचन कैबिनेट्स होना। प्रोडक्शन बिल्डर से जब कभी आप घर खरीदते हो तो वहाँ पे सिर जो होता है वो हाफ किचन जो होता है वो लोग इस तरह से पसंद करते हैं। तो कई बार जब लोग प्रोडक्शन बिल्डर से घर खरीदते हैं तो उनके सवाल आते हैं कि क्या मुझे किचन जो होता है उसमें अपग्रेड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये बता सकती हूँ कि किचन व्यवस्था में कैबिनेट की हाइट का इम्पोर्टेंट सेकेंडरी होता है, लेकिन अगर उसमें भी आप 100% सही किचन की व्यवस्था बनाना चाहो तो किचन कैबिनेट अगर अप टू सीलिंग होते हैं उसको वास्तु में सबसे आइडियल माना जाता है। सेकेंडरी किचन व्यवस्था जिसको हम एक्सीलेंट अगर हम उसको बोलेंगे, जो कैबिनेट जो होते हैं वो अप टू सीलिंग होते हैं लेकिन जो गुड होते हैं उसको हम हाफ कैबिनेट्स वाले किचन की व्यवस्था को मान सकते हैं। किचन में सबसे अच्छी बात यह होती है कि घर के मुखिया हस्बैंड वाइफ सबसे ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। कई बार लोग वहाँ पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, कई बार जो घर की फीमेल होती है वो बच्चों को पढ़ाई लिखाई भी वहीं पे करवा देती है क्योंकि उनका किचन में रहना होता है। काफ़ी लोग किचन के अंदर भगवान का मंदिर भी बना देते हैं, एक रेगुलर मंदिर बना हुआ होता है, एक किचन के काउंटर टॉप पे मंदिर बना हुआ होता है। अब अलग अलग तरह की एसेसरीज इक्विपमेंट्स के बारे में, उसकी सजावट के बारे में, किचन में होती हुई छोटी छोटी पूजा घर सेंटर आइलैंड के बारे में बात करते हैं। वास्तु के हिसाब से एक ही घर के अंदर जो किचन होता है उसमें लेटेस्ट नए घरों की व्यवस्था में जो सेंटर आइलैंड होती है उसके ऊपर एक छोटा सा कुकटॉप होता है और एक होता है आपका रेगुलर कुकिंग एरिया यानी कि आपका गैस स्टोव बोल सकते हो, कुकटॉप बोल सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करीबन आज से 7 साल पहले ऐसा बनता था, अभी लेटेस्ट के अंदर बिल्कुल नए घर जो 2000 के बाद बने हैं उसमें सेंटर आइलैंड के ऊपर से कुकटॉप ख़त्म हो गया है। सेंटर आइलैंड के ऊपर से प्रोपेन सिंक थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो आपका मेन किचन है, चाहे वो डर्टी किचन हो चाहे घर में बनने वाला किचन व्यवस्था क्यों ना हो, वहाँ पर जो आप एक कुकटॉप की व्यवस्था करते हो या जो भी आप अपनी कुकिंग रेंज लगाते हो, खाना बनाने के लिए जो गैस स्टोव की व्यवस्था करते हो, उस कुकटॉप के ऊपर चाहे आपके पास 4 बर्नल हो सकते हैं, 6 बर्नल हो सकते हैं, उस कुकटॉप के ऊपर जो व्यवस्था है वो सेंटर आइलैंड के ऊपर ना रखते हुए, अगर कोई रेमेडी करनी हो और कोई मजबूरी हो, रेगुलर किचन व्यवस्था गलत दिशा में हो, तो उस कंडीशन के अंदर सेंटर आइलैंड का उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा सेंटर आइलैंड पे ना रखते हुए जो रेगुलर किचन वॉल टच होते हैं जिसके ऊपर हम गैस स्टोव या कुकटॉप लगाते हैं उसको सही माना जाता है। सबसे पहली बात, किचन में जब आप कुकिंग करते हो, जब आप खाना बनाते हो, तो आपको जॉब से शुरुआत की हो, नए नए कपल हो, अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हो, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जहाँ पे आपकी किचन व्यवस्था है वो, और कुकिंग करते वक्त आपका चेहरा जो है वो कौन से दिशा में रहता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से जिन घरों के अंदर किचन की व्यवस्था 100% सही दिशा में होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा हेल्थ इश्यू वहाँ पर दिखाई देता है कि जब खाना बनाने वाली महिला, खाना बनाने वाली घर की मुखिया, मेल हो फीमेल हो या फिर आपके घर में कोई नैनी या कोई लेडी काम करती हो, लेकिन जिन घरों के अंदर खाना बनाते वक्त उनका चेहरा दक्षिण यानी कि साउथ दिशा में रहता है, उन घरों के अंदर रहने वाले घर के सदस्यों को, मेल पर्सन जो होते हैं, घर के फादर, ग्रैंडफादर, बच्चे,
उनको हमेशा पेट और डाइजेस्ट सिस्टम यानी कि स्टमक और डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड परेशानियां रहती है, और सबसे ज़्यादा कुकिंग कंटिन्यूस 7 या 9 ईयर्स तक जिस लेडी बनाती है या घर के मेल पर्सन बनाते हैं उसको सीवियर हेल्थ इश्यू हो जाते हैं। जब आप कुकिंग करते हो अपने कुकटॉप पे तो वहाँ से जो फायर क्रिएट होती है, उस फायर की वजह से जब आप खाना बनाते हो तो फायर में से एक कार्बन मोनोक्साइड नाम का गैस निकलता है। कार्बन मोनोक्साइड गैस जो होता है वो किसी भी तरह की अग्नि के अंदर निकलता है, ये साइंस का रूल से कोई भी तरह की फायर क्रिएट होती है तो उस अग्नि तत्व के अंदर कार्बन मोनोक्साइड नाम का जो गैस होता है, जितनी जितनी उसमें अग्नि निकलती है, जितनी जितनी आग जलती है, उतना उतना वो गैस जो होता है वो स्प्रेड होता है, और हवा फायर के साथ होए बिना फायर हो नहीं सकती। तो एयर एंड फायर एक दूसरे के कनेक्टेड है। अगर कभी भी आपको आग को बुझाना हो तो आप उसके अंदर आपकी जो कैंडल स्टैंड या कोई भी चीज़ होती है उसके ऊपर आप कंटेनर डाल दोगे, 1 सेकंड के अंदर अग्नि जो होती है वो बंद हो जाएगी। तो अग्नि तत्व को लाइव रखने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है, और आग और फायर और एयर जब इकट्ठे होते हैं तो वहाँ से एक कार्बन मोनोक्साइड निकलता है। जब आप कुकिंग करते हो, चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो, बच्चों के लिए दूध गर्म करते हो, कुछ भी एनी काइंड फूड, तो जब वो उबलता है या ओपन बिना कंटेनर ढके हुए जब कोई भी कुकिंग आप करते हो तो वो कार्बन मोनोक्साइड गैस जो है वो आपके खाने में इकट्ठा हो जाता है। और इसीलिए वास्तु में बहुत सालों पहले हमारे ऋषि मुनि ने जो हमारे कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाया तो उस कार्बन मोनोक्साइड गैस से होने वाली हवा को, यानी कि जो अग्नि जब आप कुकिंग करोगे तो वो खाना किस एंगल पे आप खड़े रहकर बनाओगे ताकि वो कार्बन मोनोक्साइड आपके फूड में चला जाए, दूसरा आप कैसा एंगल रखोगे जिसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड जो है वो कुकिंग के अंदर खाने के अंदर जाने, या फिर जिस तरह से आप कुकिंग करोगे तो उस वक्त का एलिमेंट कैसा होना चाहिए ताकि जो गैस है वो राइट या लेफ्ट कॉर्नर से चला जाए, ये सब इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर हमारे ऋषि मुनि ने गैस पोजीशन की रचना के अनुसार किचन की दिशाओं के बारे में आपको वास्तुशास्त्र में बताया है। अच्छे हेल्थी किचन के लिए बहुत सारी छोटी छोटी बातों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आप किचन में कुकिंग करते हो तो नो मैटर व्हाट, आपका चेहरा अगर दक्षिण दिशा की ओर रहकर आप खाना बनाते हो तो वहाँ पर आपके हेल्थ इश्यू बने रहेंगे किचन में। इसके अलावा और छोटी छोटी बातें काफ़ी होती है। एक होता है आपका माइक्रोवेव ओवन, दूसरा होता है आपका वॉल ओवन। वॉल ओवन उसको बोलते हैं जिसमें आपकी कुकिंग के लिए काफ़ी अलग अलग तरह के ओवन बने होते हैं और उसके अंदर आप कुकिंग जब करते हो तो कुछ कई बार सेमी फिनिश फूड होता है, कई बार आपको बैक करना होता है, कई बार आप ओवन के लिए जो भी खाना बनाते हो उसका प्रयोग आप करते हो। यहाँ पे सवाल ये होता है कि लोगों के दिमाग में कि जब मैं सिर्फ कुकिंग करती हूँ तब मेरा मुँह साउथ नहीं होना चाहिए कि मेरा माइक्रोवेव ओवन, मेरे गैस ओवन जो कि वॉल ओवन बना हुआ है, कोई भी व्यवस्था जो है वो दक्षिण दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आइडियल किचन व्यवस्था के लिए मैं आपको बता दूं कि जब कभी आप खाना बनाते हो या फिर सेमी फिनिश फूड को आप हॉट करते हो, गर्म करते हो, ओवन में डालते हो, ये सारी प्रोविज़न में कहीं पर भी आपको कुकिंग करते वक्त, कुकिंग को बाहर निकालते वक्त, उसके ऊपर कोई भी तरह की सेमी फिनिश प्रोसेस करते वक्त आपका चेहरा जो है वो दक्षिण दिशा के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सारी व्यवस्था से अगर आप कुकिंग करके वो फूड अगर अपने परिवार जनों को आप सर्व करते हो तो उस कंडीशन के अंदर, गलत कुकिंग व्यवस्था के अंदर, गलत कुकिंग व्यवस्था की प्रोसेस की वजह से घर में हेल्थ समस्या बनी रहती है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, कितना भी सही दिशा का किचन क्यों ना हो, जब आप खाना बनाते हो आपने पूरा वास्तु देखा है और आपने सही वास्तु समझ के अपनी किचन की व्यवस्था को बनाया है, कुकिंग करते वक्त आपका चेहरा जो है वो भी टूवर्ड्स ईस्ट दिशा में हो, उसके बावजूद भी अगर आपके घर में किचन व्यवस्था के बराबर ऊपर वाले फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे किसी भी बेडरूम के टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था हो, यानी कि वहाँ से टॉयलेट बाथरूम की वजह से ड्रेनेज आउटलेट का आना जाना हो, उस कंडीशन के अंदर भी वहाँ पे रहने वाले घर सदस्यों, घर परिवार के लोगों को रहने जाने के करीबन सेकंड ईयर से, दूसरे साल से हेल्थ समस्या शुरू हो जाएगी। वास्तु के हिसाब से
मैं तीन बात आपको बता दूँ, किचन का एक्सटीरियर लुक, और फिर हम इनसाइड किचन के बारे में बात करते हैं। एक्सटीरियर में ये आता है कि जहाँ पे आपका किचन बना हुआ हो उस किचन व्यवस्था के बराबर ऊपर कोई भी तरह का पाउडर बाथरूम, टॉयलेट बाथरूम, इस तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपका किचन बना हुआ हो, चाहे आपका सिंगल स्टोरी घर हो या टू स्टोरी घर हो, लेकिन उसके ऊपर वाले एरिया में कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल, यानी कि इलेक्ट्रिक के पोल, हाई टेंशन, और वहाँ से जो भी तरह के हाई टेंशन की वजह से जो रेज क्रिएट होते हैं, वो अगर किचन व्यवस्था की बैक वॉल पे, अगर उसी के पास में, यानी कि किचन के बराबर पीछे हाई टेंशन वायर जाते हो, या किचन के बराबर ऊपर से कोई भी तरह के इलेक्ट्रिकल व्यवस्था बनी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर घर के मुखिया को सीवियर हेल्थ इशू का सामना करना पड़ता है। वास्तु के हिसाब से किचन व्यवस्था की रेमेडी के लिए काफ़ी लोगों ने अलग अलग लोगों के मुंह से सुन के ये सुना है कि अगर आपके किचन का गैस गलत है तो वहाँ पे मिरर रख दो। मैं वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते आपको एक बात बता दूँ कि किचन व्यवस्था में कोई भी ऐसी रेमेडी पूरी दुनिया में नहीं है कि किचन के फायर एलिमेंट को डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे आप मिरर रख दो। मैंने काफ़ी घर देखे हैं मैरीलैंड में, वॉशिंगटन डीसी में, कैनेडा में, कि उनके किचन गलत होते हैं। इंडिया में भी देखे हैं कि एक छोटे से मिरर की व्यवस्था होती है, वो उन्होंने अपने गैस स्टोव के पीछे लगा दिया होता है। वास्तु के हिसाब से फायर एंड मिरर अगर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे रहने वाले लोगों को अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। 2021 के वास्तु में तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्थ प्रोटेक्शन के लिए और किचन व्यवस्था के आसपास ही सब कुछ बताने वाली है, जो कि हम हमारे कल के शो में डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं इतना बता दूं कि किचन व्यवस्था में कोई भी तरह के मिरर की रचना रेमेडी के तौर पे या दीवारों के ऊपर डेकोरेशन के तौर पे कभी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही आप घर में दाखिल होती हो और सबसे पहली बात होती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका फायर कॉर्नर हो, जो आपका करियर कॉर्नर हो, वहाँ पर किचन वास्तु कंसल्टेंट बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति का नाम डेट ऑफ बर्थ ना हो तो कॉमन वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन की रचना जो होती है वो कई बार ईस्ट में हो सकती है, साउथ ईस्ट में हो सकती है, साउथ दिशा का किचन, वेस्ट दिशा का किचन और नॉर्थ वेस्ट दिशा का किचन, वो 50% सही 50% गलत किचन है, जिसकी वजह से कई बार वहाँ पे कुकिंग के साथ साथ, एक कुकिंग व्यवस्था के साथ साथ कोई ना कोई नुकसान होता है। इसका मतलब होता है एक फ़ायदा और एक नुकसान, ताकि वो आधा आधा, सेमी करेक्ट है, वो 100% करेक्ट नहीं माना जाता। किचन के अंदर अलग अलग तरह की व्यवस्था का हम उपयोग करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि गैस स्टव और पानी का सीप दोनों जो होते हैं वो वास्तु के हिसाब से एक दूसरे के पास में नहीं होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले अपने लाइव शो में से हमारे एक क्लाइंट आए थे, यूके में रहते हैं अपने दोनों बेटों के साथ, उसका हमने कंसल्टिंग किया था। जब आपके घर की किचन व्यवस्था बहुत छोटी हो और अगर आपके पास सफिशिएंट स्पेस ना हो, तो कई बार उस कंडीशन के अंदर किचन का जो काउंटर टॉप होता है वो इतना छोटा होता है कि किचन का गैस और पानी का सिंक दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। वास्तु के हिसाब से सही दिशा का किचन होने के बावजूद भी अगर आपका गैस स्टव यानी कि कुक टॉप और पानी की सिंक के बीच में कुछ स्क्वायर फीट तक का अगर डिस्टेंस ना हो, तो उस तरह की व्यवस्था वाला किचन खामीपूर्ण किचन व्यवस्था बन जाता है। जहाँ कहीं आप खाना बनाते हो और बराबर आपकी पीठ के पीछे पानी का सिंक लगा हुआ हो, आधा, बड़ा, छोटा या हल्का सा आता हो, कोई भी एंगल से बना हुआ हो, इस दिशा में जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ उस तरह से आप कुक कर रहे हो और आपकी बराबर बैक ऑफ द पीठ के पीछे एक पानी का सिंक बना हुआ हो, ऐसी रचना आपको US, UK, कनाडा, इंडिया बहुत जगह पे दिखाई देगी। तो वास्तु के नियम के अनुसार जब कभी आप किचन में कुकिंग करते हो तो बराबर आपकी पीठ के पीछे, यानी कि गैस ओवन, फायर ओवन, कोई भी तरह के कुक टॉप या किसी भी तरह के टोस्टर से लेकर जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो आप कुकिंग और सेमी फिनिश प्रोसेस फूड के लिए इस्तेमाल करते हो, वो और पानी की सिंक एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको तो आप दूसरी दिशा में रख सकते हो। एक लाइन के अंदर आपको इनबिल्ट चीज़ों के लिए रेमेडी करनी पड़ती है, जैसे आपका खाने का कुकटॉप और आपका पानी का सिंक एक लाइन में हो, रेमेडी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके खाने के पानी के सिंक के बराबर सामने आप टोस्टर यूज़ करते हो, माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ स्पेस है, तो आप उसको वहाँ से मूव कर सकते हो। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ भी आपकी किचन व्यवस्था होती है और सेंटर आइलैंड की व्यवस्था होती है, अगर किसी भी वजह से आपके घर का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो कि उसके ऊपर से कोई बीम की व्यवस्था बनी हुई हो, तो उस कंडीशन के अंदर भी वास्तु के हिसाब से सही किचन होने के बावजूद भी वहाँ पे आपकी हेल्थ समस्या कम नहीं होती है, वहाँ पे आपका नुकसान जो होता है वो बना रहता है। और वो किचन कोई भी दिशा का बना हुआ हो, कुकिंग करते वक्त आपकी फेसिंग पोजीशन कोई भी हो, लेकिन बिम या कॉलम कहीं पे भी बना हुआ हो और उसको कवर ना किया गया हो सीलिंग के माध्यम से या फर्नीचर के माध्यम से, तो वहाँ पे भी आपकी किचन व्यवस्था जो होती है वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है और घर परिवार में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता की हेरिडिटी की ओर से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, समटाइम्स पैरालिसिस, काफ़ी अलग अलग तरह के हेल्थ इश्यू दिखाई देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बिम के अंदर बने हुए किचन व्यवस्था में ब्लड सर्कुलेशन फोर्स के साथ रिलेटेड बीमारियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। किचन और पानी का सिंक अगर पास पास में होता है तो घर की फीमेल हमेशा एंजाइटी में रहती है, उसको पैनिक अटैक आता रहता है, हमेशा उसको गुस्सा, कुकिंग करती है तब वो नाखुश रहती है, उसका मन जो होता है वो विचलित होता है। फायर एंड वाटर दोनों किचन व्यवस्था में वास्तु में एक इतनी सुंदरता से ये बात बताई गई है कि आप उसको आइडियल किस तरह से एडजस्ट करोगे, कैसे आप उसकी व्यवस्था करोगे। जैसे ईश्वर ने हमारे शरीर में 70% वाटर रखा हुआ है, फिर भी जो हम खाना खाते हैं और जो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो उसकी पाचन शक्ति हमें उसको पचाने में हमारी हेल्प करती है, डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, तो वहाँ पे भी वाटर भी है और फायर भी है हमारी बॉडी में, लेकिन फिर भी वो मैनेजेबल होता है। लेकिन कुछ लोगों की हेरिडिटी होती है कि वो कुछ भी लेट खाना खाएंगे, कुछ खास तरह का खाना खाएंगे, उसको एसिडिटी हो जाती है क्योंकि उसकी पित्त प्रकृति होती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपके बॉडी के कुछ एलिमेंट अगर डिस्ट्रक्टिव हो जाए तो फिर वहाँ पे फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। और जिन लोगों को पित्त से रिलेटेड कोई भी तरह की परेशानी हो, आप बिलीव नहीं करोगे, अलग अलग प्रकृति के लोगों को, वायु प्रकृति के लोगों को, पित्त प्रकृति के लोगों को आइडियल किचन व्यवस्था बनाने से अपनी हेरिडिटी के अंदर, अपनी प्रकृति के अंदर, अपनी बॉडी की व्यवस्था में खाते हुए फूड की वजह से बहुत अच्छे फायदे काफ़ी लोगों ने वास्तु के माध्यम से लिए हुए हैं। वास्तु के हिसाब से सही किचन होना यानी कि लंबी हेल्थ होना। वास्तु के हिसाब से आइडियल किचन व्यवस्था की वजह से आप अपने घर परिवार को बहुत सालों तक बीमारियों से दूर रख सकते हो। जहाँ कहीं बीमारी हो उनके लिए तो और बातें बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसको कितने अच्छी तरीके से मैनेज करोगे वो आपके लिए और बातें बढ़ जाएगी। लेकिन कोई भी तरह के जूसर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, वॉल ओवन और खाने पीने के लिए जो हम कुकिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी इक्विपमेंट्स के अंदर, एसेसरीज के अंदर एक डिस्टेंस का होना ज़रूरी होता है। इसीलिए जब बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे बड़ी किचन व्यवस्था होती है, जितना बड़ा किचन उतने कम हेल्थ इश्यू, जितना छोटा किचन इतनी कंजस्टेड चीज़ें होने की वजह से एक या दूसरे तरीके से परेशानियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आप उसको बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि उनको टोस्टर की ज़रूरत होती है या ओवन की ज़रूरत होती है, और उनको अगर कस्टम होम बनाने का मौका मिलता है तो अपने गैस ओवन के बराबर यानी कि कुकिंग रेंज के बराबर नीचे जाके वो अपना माइक्रोवेव लगा देते हैं। काफ़ी कंपनियां अपना जो कुकिंग रेंज होता है उसके बराबर ऊपर माइक्रोवेव लगा देते हैं। अगर किचन और माइक्रोवेव एक दिशा में है तो वो सही है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको कुकिंग करनी है और सेमाई फिनिश हीट वगैरह देने के लिए आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जिन लोगों के घरों के अंदर किचन और माइक्रोवेव की व्यवस्था अलग अलग है, उनको वास्तुशास्त्र के नियम को अप्लाई करने से पहले ये बात देखना पड़ेगा कि गैस स्टोव के सामने क्या आता है और माइक्रोवेव ओवन के सामने क्या आता है। अगर माइक्रोवेव ओवन आपका हाइट पे चला जाता है तो फिर उसके सामने आती हुई जो भी आपकी फैमिली रूम की रचना हो, वहाँ पर जो आपने डेकोर किया हो, टीवी की व्यवस्था हो, मिरर की व्यवस्था हो, या जो भी माइक्रोवेव ओवन के सामने आती हुई वॉल पर जो रिफ्लेक्शन आती है उसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी मिरर रिफ्लेक्शन या टीवी की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से माइक्रोवेव ओवन और टीवी एक दूसरे के आमने सामने आने से दो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी एक दूसरे के साथ क्लैश करती है। पानी का सिंक और आपका कुकिंग व्यवस्था यानी कि कुकटॉप
आमने सामने आने से दो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वहाँ से भी आपके हेल्थ इश्यू या बड़ी समस्याएं घर में क्रिएट हो जाती है। जब कभी आप किचन में जाते हो और आपको लगता है कि यहाँ पे खाना बनाते वक्त मुझे हमेशा अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है, मुझे यहाँ पे आके एनर्जी फील नहीं होती है, मैं कितनी भी थक के किचन में काम करने जाती हूँ तो उस वहाँ पे कुकिंग करते वक्त मुझे मज़ा आने के बजाय मुझे स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है, एनजाइटी बढ़ जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके किचन व्यवस्था में कोई कमी है। जूसर, कोई भी अलग अलग तरह के फूड की व्यवस्था जो आपने अपने घर में किचन के काउंटर टॉप पे रखी है, ब्रेकफास्ट हो, बेवरेजेस हो, अलग अलग तरह के नाश्ते परिवार के लिए बना के रखे हो, कुछ सेमी फिनिश कुकिंग खाना बना के आपने अपने काउंटर टॉप पे छोड़ दिया हुआ हो और उसी काउंटर टॉप के ऊपर आपके पास अपने भगवान का मंदिर भी बना हुआ हो, अपने पितरों के पिक्चर्स वगैरह भी आपने रखे हुए हो, तो एक ही काउंटर टॉप के ऊपर ये सारी व्यवस्था, अगर बीच में कोई पार्टीशन वॉल ना हो तो वास्तु के हिसाब से वो वास्तु दोष की निशानी बन जाती है और वास्तु शास्त्र के नियम के अनुसार कभी भी किचन के काउंटर टॉप के कोई भी तरह की फूड एलिमेंट के साथ साथ पूजा या कोई भी तरह के पितरों की रचना या कोई स्पिरिचुअल चीज़ों का एक साथ रखना वास्तु दोष की निशानी बन जाता है और उसको गलत यानी कि खामीपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स है, इसमें किसी क्लाइंट ने आज हमें रिक्वेस्ट की थी कि किचन व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए। किचन में तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने आपको एक बात समझाई कि ओवन, माइक्रोवेव ओवन, गैस ओवन और कुकिंग रेंज एक लाइन में हो सकते हैं। दिशाओं के हिसाब से बात करें तो उसके लिए सबसे अच्छी फेसिंग होती है आपकी किचन व्यवस्था के अंदर ईस्ट वॉल, जिसका फ़ायदा ये होगा कि जब कभी आप कुकिंग करते हो तो आपका चेहरा जो होता है वो ईस्ट वॉल पे जाएगा। नंबर वन व्यवस्था खाना बनाने के लिए गैस पोजीशन माइक्रोवेव ओवन और गैस ओवन ईस्ट में माने जाते हैं। उसके आसपास उतनी रेंज में उतने एरिया के सामने आप कोई भी जूसर नहीं रख सकते, कोई भी तरह के पानी का सिंक से रखा हुआ वाटरफॉल या और कोई भी वास्तु दोष वाली चीज़ें, यानी कि पानी किसी भी तरह के फ्लावर वाज में भर के रखा हुआ हो या एनी काइंड ऑफ वाटर एलिमेंट जो व्यवस्था होती है उसको एक लाइन में आपको नहीं रखनी चाहिए। उसकी वजह से अनजाने में किचन के अंदर वास्तु दोष खड़ा हो जाता है। सबसे अच्छा किचन माना जाता है जिसके अंदर न्यूट्रल कलर का प्रयोग किया गया हो। वाइट को न्यूट्रल कलर बोलते हैं, मैपल, महागनी, अलग अलग तरह के क्रीम, आइवरी, लाइट ब्राउन कलर को न्यूट्रल कलर बोलते हैं। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं कि किचन में बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इवन यूटेंसिल्स के बारे में भी लोग काफ़ी सवाल पूछते हैं। अच्छा किचन वो माना जाता है जो किचन के कैबिनेट के अंदर या किचन के स्प्लैश के अंदर, किचन में जो आपने कलर्स पेंट किए हैं उसके अंदर कहीं पर भी ग्रे, ब्लू, नेवी ब्लू, इस तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन का प्रयोग, वॉल कलर, कैबिनेट सिलेक्शन, काउंटर टॉप सिलेक्शन, ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स जो भी आपने किचन में छोटी छोटी एसेसरीज की हो, इन तमाम जगह पे किचन व्यवस्था में ये कलर्स कॉम्बिनेशन आइडियल नहीं माने जाते। किचन में सबसे बड़ी टेक्निक, वास्तु की टिप्स और खूबी यही है कि आप फायर एंड वाटर को कैसे बैलेंस करोगे। आग पानी के बिना अधूरी है, आग हवा के बिना अधूरी है और अग्नि पैदा होने के साथ साथ कुछ बातें उस आग को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वास्तु में किचन ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें पानी भी होता है, फायर भी होती है, हवा भी होती है, उसके बावजूद भी उसको हेल्थी किचन कैसे बनानी चाहिए उसके लिए छोटी छोटी वास्तु की टिप्स को अप्लाई किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस देते हैं, काफ़ी लोगों ने अपने किचन के बारे में यहाँ पे या फिर अलग अलग, पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मिस हारून हमारे साथ है, फिर उषा शाह है, उसके बाद ओके रुचि पल्लवी जी, लाइक योर शो, थैंक यू वेरी मच रुचि नटवाला। ओके यहाँ पे हमें एक सवाल पूछा है मनीषा शर्मा जी ने, मनीषा शर्मा, और उसके बाद सतीश गुप्ता जी मतलब काफ़ी, सुनीता भटाड़ा, सुनीता भटाड़ा ने सवाल पूछा है माय फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ मई का 2019। सुनीता जी बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, अपने परिवार फैमिली मेंबर के साथ साथ अपने दोस्तों का भी ख्याल बहुत ज़्यादा ही रखते हैं, उन्हीं के क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। उन्होंने जो
डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दी है, हाउ इज हर फ्यूचर एंड एनी रेमेडी नीड्स. ओके यहाँ से देखते हैं. सबसे पहले सुनीता जी का क्वेश्चन लेते हैं. ओके का नवंबर 9, 2000. सुनीता जी, कभी भी किसी भी व्यक्ति के करियर के बारे में जब किसी को चिंता हो, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि शायद हमारे व्यूअर्स में से किसी ने सजेस्ट किया था, अपने करियर के अंदर जॉब में ले ऑफ हो जाना 2021 के वास्तु के अंदर बहुत ऐसी छोटी बातें आएगी जो फाइनेंशियल समस्या से रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, काफ़ी अलग अलग तरह के करियर से जुड़े हुए बिजनेस वाले लोगों के लिए होने वाली है. तो ये सभी चीज़ों के लिए, करियर इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको अपने घर की किचन व्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं करना है. मैंने काफ़ी ऐसी छोटी छोटी टिप्स आपको इस प्रोग्राम में बताई जो कि मिरर के माध्यम से हैं, वाटर एंड फायर एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा करने के माध्यम से हैं. तो करियर के बारे में जब आप कोई ऐसे सवाल पूछे हो किसी के व्यक्तिगत फ्यूचर के बारे में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स मैं आपको अपने प्रोग्राम में कहती हूँ, वैसे आपके दोस्तों के घरों में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई समस्या आपने देखी हुई हो, तो नेक्स्ट कभी किसी के करियर के बारे में क्वेश्चन हो, तो उस बात को भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि घर की किचन व्यवस्था में कोई फॉल्ट अगर आपको खुद समझ में आया हो, तो ये भी बात बताइएगा, जिसको हम रेमेडी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके करियर इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प कर सकते हैं. यहाँ पे सुनीता जी, जो आपने अपनी दोस्त की बेटी के बारे में, माहिका के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अनुसार उसके फ्यूचर के बारे में जो आपकी बात है, तो मैं फ़िलहाल तो यही कहना चाहूँगी कि फ्यूचर तो अच्छा है. ये है कि जो बेटी का नेचर है वो थोड़ा सी स्टबन पर्सनालिटी है, अपनी मर्जी से चलने वाली व्यक्तित्व पर्सनालिटी है, और ऑल ओवर फ्यूचर अच्छा है रिलेशनशिप के लिए. तो 2000 में बेटी पैदा हुई है, नवंबर 9, 2000, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा संभाल के काम करना चाहिए, नए रिश्ते बनाने के साथ, एग्जिस्टिंग रिश्तों के साथ, माता पिता को, जिसके भी साथ, जिस तरह से भी जुड़े हुए हैं, एक या दूसरे तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है. हमेशा रिलेशनशिप में लोगों को उसके साथ नाखुशी होगी, मतलब उसके साथ कोई ना कोई नाराज़गी बनी रहेगी. उसका कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उसका रिलेशनशिप कॉर्नर बहुत ही कमज़ोर है सुनीता जी. तो पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप बनाने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए. एजुकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, वो सब बातें एवरेज चली जाएगी. और अगर वो यूके में पैदा हुए हैं और यूके में ही रहते हैं, यानी कि उसकी जन्मभूमि अगर यूके है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जहाँ पर भी ये बच्ची पैदा हुई है, उसको अपनी मदर कंट्री से, यानी कि अपने जिस स्टेट में पैदा हुई या जिस कंट्री में पैदा हुई, वहाँ से थोड़ा दूर जाके, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस काम करने से फ़ायदा हो सकता है. अपनी जन्मभूमि में उसको स्ट्रगल बहुत करने पड़ेंगे. अगर वो यूके में पैदा हुई है तो यूके में उसको काफ़ी स्ट्रगल करने पड़ेंगे. और यही बात अगर वो कनाडा जाती है या किसी और कंट्री में जाती है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी रहेगी. अगर वो इंडिया में पैदा हुई है और अगर वो यूके में रह रही है, तो उसके लिए काफ़ी हद तक ठीक है. जहाँ पर वो पैदा हुई है, उस कंट्री के साथ उसकी लेन देन जो है वो हमेशा क्लैशिंग रहेगी. ऑल ओवर फ्यूचर ठीक है. आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये बता सकती हूँ कि शादी ब्याह के बारे में बहुत सोच समझ के करना चाहिए. कुछ लाइफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा है. उसके बाद हमारे साथ कविता जी, कविता दिनेश जो प्रोग्राम देख रहे हैं, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा. नीतिकारण, ओके. यहाँ पर हमारे साथ एक और क्लाइंट है जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दी हुई है, 12/19/83, 4:20 PM. ओके नितिका, और क्वेश्चन है इनका, ओहो काफी लंबा क्वेश्चन है नितिका जी का. ओके नितिका भाटिया, 4:20 PM पे सुमन पंजाब. सबसे पहले नितिका जी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बात करते हैं. फेब्रुआरी.
नितिका जी, आपका जो 2021 का आने वाला साल जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल वाला है। जॉब में उतार चढ़ाव इससे भी ज़्यादा दिखाई देंगे। और अगर 2021 जो है उसमें अपना ध्यान नहीं रखोगे तो काफ़ी रिलेशनशिप में मैस्टअप होने के चांसेस है। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ पूछे हैं, फिलहाल मैं आप ही के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन तक सीमित रहती हूँ जो आपने अपने बारे में पूछा हुआ है। फिर आपने अपने यहाँ पे मिस्टर आश अनीशा काफ़ी लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। एक ही क्वेश्चन पे जाते हैं, उसके बाद वापस आपके सवाल पे आएंगे। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि 2021 जो है ये परिवार का जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से 2020 के मुकाबले स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा है। कौन सी दिशा के घर में रहते हो वो देखो। और कल हमारा वास्तु फॉर होम का शो है, वो नितिका आप ज़रूर देखें। शायद आपके अभी जो सवाल पूछे गए हैं जॉब के, ले ऑफ के, उसके सारे जवाब आपको कल के प्रोग्राम में 100% मिल जाएंगे। उससे आपको ये पता चलेगा कि जिस दिशा की पर्सनालिटी आप हो, जिस दिशा के साथ आपके नवंबर 30, 2020 से वो दिशा नेगेटिव की ओर जा रही है और वो 2021 दिसंबर से लेकर 2022 के जनवरी तक रहेगी। नवंबर 30, 2020 से 2021 के वास्तु की शुरुआत हो चुकी है। हमने कैलेंडर में साल नहीं बदला है, लेकिन साल के बदलाव के ट्रांजिट पीरियड की शुरुआत हो चुकी है, जो कि नीतिका आपके लिए मई 5 तक उसी तरीके से स्ट्रेसफुल पीरियड में रहेगा। और काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, मैंने घर के लोगों की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखी है, लेकिन मैं आपके सवाल को होल्ड इसलिए करती हूँ कि कल इसके बारे में मैं आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबा विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। और आई एम होपिंग कि आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अपने फेसबुक के लाइव शो में, अगर मेरे को यहाँ पे सेव कर सकती हूँ, तो मैं एक एक क्वेश्चंस को खुल के आपको यूट्यूब के ऊपर वाले प्रोग्राम में 2021 के बारे में जब बताऊँगी तो सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे। तरु जी हमारे साथ है, तरु जी ने यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन दी है कि बस वह सितंबर हाउस संधु श्वेता जेंस के नाम से जो हमारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी का पूछा है, उसके लिए मैं बताऊँ कि श्वेता जी 2020 के मुकाबले 2021 आपका अच्छा रहा है। जिस तरह के भी जॉब के आप कोशिश करते हो, अगर अभी तक रुक गए हो तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि दिसंबर 15 तक रुकी जाओ। और दिसंबर 15 के बाद आप अपने घर के जहाँ पे भी आप रहते हो उसमें और दक्षिण दिशा में बैठ के आपका फेस जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ रहना चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटी, नए प्रोजेक्ट के लिए, अपने घर के अंदर जो भी चेंजेस चाहिए या जो भी नई जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिनको अभी अभी नवंबर 30 के बाद ले ऑफ मिला हुआ है, ये सारे लोगों के लिए कल का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि हमारा जो 2021 के बारे में जो बातचीत है वो फिनांशियल लॉस और जॉब से परेशान लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं। शायद कल का प्रोग्राम सुन के आधे से ज़्यादा लोगों के यहाँ पे सवाल है, उसके जवाब तो उनको अपने आप ही मिल जाएगा। लेकिन श्वेता के सवाल के साथ में रहते हुए, श्वेता जी आपने यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ दी है, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा है, उसके लिए मैं बता दूँ कि 15 जनवरी के बाद आप अपने घर में दक्षिण दिशा के कमरे में बैठ के आपका फेसिंग जो है वो टूवर्ड्स नॉर्थ की ओर रखकर
जो भी तरह की नई जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए आप कोशिश करो। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि 2021 आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ से 2021 इज़ रियली रियली बेनिफिशियल फॉर यू। जितना थोड़ा आगे चलने के बाद आप जॉब की शुरुआत करने की कोशिश करते हो उतना फ़ायदा जो है यानी कि जॉब से होने वाला प्रोग्रेस जो है या अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। कल भी कोई कोशिश करनी हो किसी अपॉर्चुनिटी के लिए तो कर सकते हो, लेकिन जनवरी दिसंबर 15 से लेकर जनवरी तक के बीच बीच में जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो और ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगी। तो साल तो आपके लिए अच्छा है, परेशानी आपको नहीं होगी। और पहले मैंने ऑल ओवर सारे क्वेश्चंस देखे थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग, आज हमारा प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ है तो अलग अलग सवालों के साथ मैं जाना चाहती हूँ। वापस मैं तरु जी के क्वेश्चंस पे आती हूँ। तरु जी अटलांटा जॉर्जिया कोलंबस में रहते हैं, मेरे क्लाइंट भी है। तरु जी से एक रिक्वेस्ट है, तरु जी काफ़ी सारे नए लोग होते हैं जो कि लाइव शो के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। आप तो मेरे क्लाइंट हो, अभी पता नहीं शायद 3 साल हो गए होंगे, रिन्यूअल का टाइम आपका हो गया होगा, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इस लाइव शो के माध्यम से नए नए व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर देने की। तो जो लोग हमारी पेड सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट हैं, उनको अगर वो अपने दोस्त परिवार में से, फैमिली मेम्बर्स में किसी और के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं विद डेफिनेटली मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो अपने ही बारे में सवाल पूछते हैं तो जो ऑलरेडी पेड कंसल्टेशन है, जो ऑलरेडी सर्विस वो ले रहे हैं, उसी का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। ये लाइव शो सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के अपने क्वेश्चन आंसर, हमारी पेड सर्विस जिन्होंने नहीं ली है और वो अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट है उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मंडे टू फ्राइडे मैं आप ही की सेवाओं में उपलब्ध होती हूँ। आप अपना अपॉइंटमेंट डेट फिक्स करो ब्रिजेश के साथ मेरी ऑफिस में और डेफिनेटली आप बात कर सकते हो। लेकिन आपको अपने अलावा, अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और फैमिली मेम्बर के बारे में बात करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज पेड क्लाइंट के लिए वो फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमारे साथ रेशमा पटेल है, एवरी एडवाइस इज एब्सोल्युटली जीनियस इज़ वेरी हेल्पफुल, थैंक यू वेरी मच रेशमा जी। ये कौन है रेशमा पटेल? लास्ट 6 years वी हैव बीन चेंजिंग इन आवर लाइफ, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेशमा पटेल करके हमारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम की भी प्रशंसा की है, सर्विस और एडवाइस की भी प्रशंसा की है। मैं आपको ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं 1989 से अपने सब्जेक्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली काम करती हूँ। काफ़ी दुनिया में मैं ये कह सकती हूँ कि यूके, यूएस, इंडिया और कनाडा में ऐसा कोई जिप कोड नहीं है जहाँ पे मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है। इवन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो हम लोग खुद साइड लोकेशन पे जाते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है, जैसे आपने किसी भी चीज़ को अप्लाई किया तो किसी भी वास्तुशास्त्र के नियम को, किचन की रचना को, बेडरूम के कलर्स कॉम्बिनेशन को एक बार अप्लाई करने के बाद आपको अपने कंसल्टेंट के साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। एक टाइम की, वन टाइम एडवाइस लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, आपको उनके साथ जुड़ना है ताकि आने वाले नए नए सालों के बदलाव जो होते हैं, नए नए जो चेंजेस होते हैं उसका आपके ऊपर होने वाले प्रभाव के बारे में, 2020 आपका अच्छा गया तो 2021 के साथ आपकी उम्मीद बनी रहनी चाहिए कि 2021 में मुझे एडिशनली क्या करना चाहिए ताकि 2021 बना रहे। रेशमा जी जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज में हमारे बारे में यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसका क्रेडिट उनको भी जाता है कि जितने कॉन्शियसली होके वो वास्तु अपने घर में अप्लाई करते हैं उतना ही अच्छा रिजल्ट उनको आता है। जो भी पेड सर्विस वाले क्लाइंट है या लाइव शो के व्यूअर्स है, मैंने हर एक व्यक्ति को जवाब उनकी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही दिया है, लेकिन उन्होंने किस तरह से अप्लाई किया है, क्या बातें उन्होंने मेरे को बताई जिसमें से कितने परसेंट चीज़ें ऐसी है जो मुझे जाननी चाहिए थी, जो सर्विस हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने खुद चीज़ें देखी हुई होती है, उसकी सारी एक एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। लेकिन कई बार जो लोग सिर्फ लाइव शो में जुड़ते हैं और वो कुछ बातें अपने बारे में बता देते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ सिर्फ 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है, कौन से दिशा के घर में रह रहे हैं, कितने टाइम से रह रहे हैं, लास्ट कंस्ट्रक्शन चेंजेस उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में कब किया हुआ है। तो ये सब बातें इकट्ठी होके आप जो छोटी छोटी टिप्स को अप्लाई करते हो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको आता है। नवंबर 30 2020 से 2021 का वास्तु शुरू हो गया। इस साल 2021 का ऐसा है कि साल की शुरुआत में ही, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ट्रांजिशन पीरियड के दरमियान जहाँ से समय बदलता है उस बदलाव के साथ ही
कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही नेगेटिव प्रभाव आने शुरू हो गए। नवंबर 30, 2020 आव किया है, अपने बैकयार्ड में कोई चेंजेस किया हो, घर में कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज किया हो, इंटीरियर डेकोरेशन चेंज किया हो, किसी भी फर्नीचर का लेआउट बदला हुआ हो, कोई भी बदलाव किया हो, उन तमाम लोगों को 2021 के मई महीने तक अपने काम में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी में, जॉब में किसी न किसी वजह से बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगी, उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। 2021 के बारे में जो कल हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से जिन जिन लोगों ने आज फेसबुक के लाइव शो में अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सवाल पूछा हो, जिनको काम की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काम नहीं मिला, जिन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जॉब से बदल के दूसरी जॉब बदलने का थोड़ा बहुत सोचा है लेकिन अभी कोशिश नहीं की, जिन्होंने अपने बिजनेस के लिए पुराने बिजनेस से नया बिजनेस का खरीदने के लिए सोचा है लेकिन अभी खाली उनके दिमाग में ये विचार है, और जिन लोगों ने अभी अभी नवंबर 30, 2020 से 2021 के दौरान अपना घर बदला है, एक घर से दूसरे घर में गए हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग हो, प्रोडक्शन बिल्डर हो, ये तमाम लोगों की लाइफ के अंदर फिलहाल के पीरियड के दौरान 2021 के हिसाब से काम, करियर और फाइनेंशियल चीज़ों का स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। ये स्ट्रेस सिर्फ मेंटली है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको जॉब नहीं मिलेगी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो यहीं से बात ख़त्म कर दे, पूरा 2021 ऐसा जाएगा, नहीं। लेकिन फाइनेंशियल इस उतार चढ़ाव के पीछे कौन सी ऐसी दिशा है जिन्होंने इस बार साल के शुरुआत में बड़े धमाकेदार नेगेटिव इफेक्ट को दे दिया, जानने वाली बात है। 2021 में वास्तु शास्त्र और आपका घर, यानी कि 2021 का वास्तु और आपका घर, ये जो हमारा टॉपिक है उसमें कल हम यही बात करने वाले हैं। जो भी जॉब से रिलेटेड परेशानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी अपने घर में कोई भी तरह का बदलाव किया है, कल जब YouTube के ऊपर इस शो की शुरुआत होगी तो जो लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कोशिश करते हैं उनको 3 सवालों के जवाब अपने चैट मैसेज के माध्यम से मुझे देने हैं। नवंबर 30, 2020 से अभी आज के दिन तक उनके घर में कोई बदलाव हुए हैं कि नहीं हुए, मेजर या माइनर। दूसरी बात, उन्होंने इस पीरियड टाइम के अंदर, ये 3-4 महीने के अंदर कोई घर बदला है, इंटीरियर बदले हैं, घर में कलर्स कॉम्बिनेशन चेंज किए हैं, कोई भी मेजर या माइनर चेंजेस किए हुए हो और उसके बाद भी आप जॉब अपॉर्चुनिटी तक हासिल चीज़ को अपने सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं ले पाए हो, तो ये दोनों बातें, चेंजेस और अपनी कोशिश यानी कि अपने प्रयास, ये दोनों बातों को साथ में लेकर मैं आपके सवालों के जवाब कल हमारे YouTube के लाइव शो में देना चाहूँगी, जो 3 से 4:30 बजे का होगा, 3 से 4 बजे का होगा YouTube के ऊपर। आज हम लोग किचन पोजीशन के ऊपर जो बात करते थे उसमें सबसे दिशा के साथ साथ किचन की रचना, उसकी सजावट, कलर्स कॉम्बिनेशन, आमने सामने जो भी तरह की चीज़ों की प्लेसमेंट होती है वो सारी वास्तु में इम्पोर्टेंट होती है। वाटर एंड फायर एलिमेंट एक दूसरे के आमने सामने किसी भी तरह से नहीं हो सकता। कुछ कॉमन बातें जो घर में जहाँ मर्जी किचन में रखो, जैसे ग्राइंडर होता है आप जहाँ मर्जी रखो, किचन में कुछ लोग जो ओपन वेजिटेबल को रख देते हैं जैसे आलू प्याज वगैरह किचन व्यवस्था में पेंट्री के अंदर ना रखते हुए किचन के काउंटर टॉप पे रख देते हैं, लेकिन उसमें कुछ वाटर भी नहीं है और फायर भी नहीं है, वो आप जहां मर्जी रख सकते हो। किचन व्यवस्था के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि किचन की पोजिशन के साथ साथ घर में हेल्थ समस्या अगर लंबे अरसे से बनी हुई हो तो सिर्फ अपने बेडरूम के अंदर वास्तु की टिप्स को अप्लाई मत कीजिए, अपने बेडरूम की रचना के साथ, सोने की दिशा के साथ, बेडरूम के कलर्स के साथ साथ अपने किचन के अंदर भी आपको वास्तु के कुछ उपाय करने पड़ेंगे, उपचारात्मक उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके आपको अपनी हेल्थ में पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दिखाई देगा। किचन के बारे में और बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स हम फिर भी ये प्रोग्राम कंटिन्यू करते हुए इंस्टाग्राम के ऊपर आपके साथ बात करने वाले हैं। 5:30 से लेकर 6 बजे का शो रहेगा। किचन व्यवस्था से आप अपने जॉब, अपने करियर को कैसे इन्हांस कर सकते हो। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनकी किचन के अंदर एक बार भी बना हुआ होता है, किचन के अंदर उनका एक छोटा सा जो कि होम ऑफिस बोल सकते हो फीमेल के लिए होते हैं वो भी बना हुआ होता है। काफ़ी लोगों के घरों के अंदर उनके जो घर के पूरे घर की सिक्योरिटी कैमरा वगैरह होते हैं वो भी उनके किचन व्यवस्था के अंदर बने हुए होते हैं, ताकि घर में खाना बनाते वक्त जो भी घर के मुखिया होते हैं वो देख सकें कि बाहर कौन आया हुआ है। तो इस तरह की व्यवस्था भी काफ़ी लोगों के घरों के अंदर होती है। किचन के अंदर आइडियल सिक्योरिटी कैमरा
होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, किचन व्यवस्था में बार का कितना इम्पोर्टेंस होता है और आइडियल बार पोजीशन किस तरह से होनी चाहिए। किचन के अंदर काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने एक्सरसाइज इंस्ट्रूमेंट यानी कि ट्रेडमिल वगैरह जो होते हैं वो भी नुक एरिया में रख देते हैं। तो किचन बैकयार्ड पेटियो डोर, किचन के अंदर सिक्योरिटी कैमरा और किचन व्यवस्था के अंदर अलग अलग तरह की छोटी छोटी सजावट जो कि नॉर्मल आदमी अपनी कंफर्ट लेवल के लिए बनाता है बट वो किचन के एसेसरीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसके अच्छे या बुरे प्रभाव के लिए फिर एक बार बात करेंगे इंस्टाग्राम के शो पे। आप हमारे साथ डेफिनेटली जुड़िएगा, 5:30 से 6 बजे का आधे घंटे का 30 मिनट का शो रहेगा और किचन के अंदर और अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स कौन सी आइडियल पोजीशन पे रखने ही चाहिए और किस तरह की चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए और छोटी छोटी टिप्स के साथ आपके लिए इंस्टाग्राम पे एक बार फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।